देखिए यार, इतना पेपर जाम हो चुका है दोनों, और बार बार लगातार इसमें पेपर जाम हो रहे हैं और ये एरर दे रहा है। इसका एक काम तो ये है कि आप इसका दरवाज़ा खोलो ऐसे और पेपर बाहर निकाल लो जो यहाँ पर फंसा हुआ है। और इसको आप बंद कर दो, वो एरर हट जाएगा। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है, अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको और उसके सॉल्यूशंस क्या है। पेपर का प्रिंट आउट निकल रहा है, देखिए ये बार बार हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम है, तो हमें ये मशीन खोलनी पड़ेगी। देखिए फिर से यहाँ पर पेपर अटक गया, तो अब ये मशीन खोल के वो चीज़ें और सेटिंग्स में आपको बताऊंगा कि कैसे खोलना है और कैसे साफ करना है उस चीज़ को और कैसे प्रॉपर प्रिंट आउट देगा। दोस्तों ये है IR2525 मशीन, इसमें फ़िलहाल पेपर जैम की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने सब ट्राई कर लिया पर वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो मैं इसके अंदर एक रॉड होती है, मैं बताता हूँ कहाँ। इस वाले यूनिट के अंदर होती है, यहाँ पे अंदर इसके नीचे पीले वाले उसके नीचे। वो खोल के आज मैं क्लीन करने आ रहा हूँ, तो इसको खोलने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ जो स्क्रू दिख रहा है ये वाला, ये खोलना है और इसको बाहर निकालना है। आ गया ना, हाँ दिख रहा है, बोल मत। ये स्क्रू खोलना है आप लोगों को, बंद कर दो, बंद। स्कूल तो खोलो, चाहिए यार। और एक ये स्क्रू खोलना है इधर, एक और भी इसको
ये लॉक है और अब हम एक स्क्रू और खोलेंगे, ये वाला। उसके बाद हम इसको थोड़ा इधर फंसाएंगे। ये स्क्रू खोलने के बाद हम इसको थोड़ा इधर फंसाएंगे, तो ये लॉक से बाहर आ जाएगा। तो लॉक से बाहर निकालने के लिए दोस्तों बहुत संभाल के करना आप लोग ये काम, और ये बाहर आ गया। अब इसके अंदर हम खोलेंगे ये, ध्यान रखना आपने कौन से स्क्रू खोले। ये रही दोस्तों रॉड जो हमें साफ करनी है। ये ऐसे बाहर नहीं निकलेगी, तो हम एक काम करते हैं, इसका एक ही वाला स्क्रू खोल लेते हैं। ये बाहर आ गई। अब हमें इस रॉड को साफ करना है, बहुत काली हो चुकी है। तो कोई भी चाकू वगैरह लें, उसको बड़े प्यार से साफ करें। ध्यान रखें रॉड को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस तरह आपको इसको इस तरह पूरा चमकाना है। आयर 25-25, अभी मैंने इसका सब रॉड क्लीन किया अंदर का। अब देखते हैं ये पेपर वापस फंसते हैं या नहीं फंसते हैं।
ये भी देख लीजिए, कैनन आया था मैं फायर 2525 में। आईडी कैसे स्कैन करते हैं, स्पेशल फीचर्स, आईडी कार्ड, नेक्स्ट, ओके, डन। इसको आप दे देंगे फोटो पर, ये दो बार दबाना पड़ता है। यहाँ से फ्रंट पे बैक लिखा हुआ आना चाहिए, बैक आ गया। हम देख रहे हैं कि आप पेपर बिल्कुल जाम नहीं हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं मशीन की और भी डिटेल जल्द ही वीडियोस बना कर भेजूँगा अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो। थैंक यू दोस्तों, बारिश के सीजन में ऐसा होता है कि प्रिंटर बहुत लाइट प्रिंट करता है या किसी और वजह से, पर नॉर्मली अगर आपको इसे डार्क करना है तो मैं आपको सेटिंग्स बताता हूँ। इस पर आप आयर पच्चीस एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करें, उसमें प्रिंटर सेटिंग्स पर क्लिक करें और इसमें जाकर आप प्रिंट क्वालिटी पर जाएं और प्रिंट क्वालिटी में जाके डेंसिटी आप हाई कर दें, जिससे वो अब डार्क प्रिंट करेगा। ये एक नॉर्मल सेटिंग है, अगर इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम है तो आपको अपना टोनर, आपको अपना टोनर के साथ और भी कुछ चेक करना पड़ेगा, ड्रम चेक करना पड़ेगा आपको अपना। अगर इनसे काम नहीं होता तो आपको अपना लेज़र साफ करना पड़ेगा, लाइक जो लेज़र आता है उसे साफ करने का वीडियो भी मैं बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपका L805 प्रिंटर बराबर प्रिंट नहीं कर रहा है तो आप जाइए सबसे पहले डिवाइसेस एंड प्रिंटर में, इसमें आप राइट क्लिक कीजिए और प्रिंटिंग प्रेफरेंस में जाइए और चेक कीजिए, मेंटेनेंस में जाके नोजल चेक और स्टार्ट। अब नोजल चेक करने से हमें पता पड़ेगा, जैसा कि इसमें दिया है कि एकदम बराबर लाइनें आ रही हैं तो अच्छा है, और अगर लाइनों में ब्रेक्स आ रहे हैं तो आपको क्लीन करना पड़ेगा। देखते हैं कि वो क्या निकाल के देता है अभी प्रिंट। अगर वो ऐसी लाइन दे रहा है तो आपको क्लीन पर क्लिक करना है, और क्लीन पर क्लिक करने के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको वापस प्रिंट करके चेक करना है। जब तक वो ऐसा ना आए तब तक आपको प्रिंट क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन अगर हो जाता है और फिर भी अगर अच्छा प्रिंट नहीं आता है तो आपको अपना प्रिंटर सर्विस पे देना पड़ेगा ठीक कराने के लिए, उसके हेड को क्लीन करवाना पड़ेगा। Thank you, friends.